ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, और अकेला एक शुभम नहीं है। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 400 बच्चों का बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ है, बड़े बड़े हमारे दिल्ली के अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। एक और बच्चा है कुशाल गर्ग, शास्त्री पार्क में रहता है। उसके पिताजी कार्डबोर्ड की कंपनी में मजदूरी करते हैं, 11,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाते हैं। उनके बेटे का एडमिशन इस बार ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में हुआ है, देश का सबसे बड़ा। ऑल इंडिया मेडिकल तो सबसे बड़ा है, ऑल इंडिया मेडिकल में उसके बच्चे का एडमिशन हुआ है। मैं इनसे बात कर रहा था, बोले जी आज से 5 साल पहले जो सरकारी स्कूलों की हालत थी, अगर वैसी हालत रहती हमारे बच्चे भी बड़े होके मजदूरी करते। ये तो बोले केजरीवाल जी आपका धन्यवाद जो आपने स्कूल इतने शानदार कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे कमजोर नहीं होते, ये तो माँ बाप के पास साधन नहीं होते, सरकारें कुछ करती नहीं है, इसलिए गरीब का बच्चा बड़ा होकर गरीब रह जाता है। आज दिल्ली के अंदर आप सोच के देखो कितने ऐसे शुभम होंगे, कितने ऐसे कुशाल गर्ग होंगे, लाखों बच्चे दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य पहले अंधकार में था, ऐसे ही लाखों बच्चों का भविष्य हरियाणा के अंदर अंधकार में है। हरियाणा के अंदर भी स्कूलों का बुरा हाल है। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा मैं, एक मौका दे दो। दिल्ली में करके आया हूं, हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं। हरियाणा के भी सारे स्कूल बदल दूंगा, गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलना चालू होगा, गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं, सारे खराब नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, कभी कहेंगे डेवलपमेंट चार्ज, पिकनिक चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, फलाना चार्ज, ढिमका चार्ज। दिल्ली में 7 साल से हमने इनको प्राइवेट वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी, उल्टे इनका सबको ऑडिट कराया, कई लोगों को पैसे वापस कराए हैं प्राइवेट स्कूल वालों से, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। तो आज इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, कौन कौन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कौन कौन अपने बच्चों को वकील बनाना चाहता है, सारे जने हमारे साथ आ जाओ। और जो जो लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं हाथ खड़े करो, जो जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी सारे, इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं, या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई, उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ गुंडों ने मेरे घर पे हमला कर दिया, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, टीवी में देखा होगा, कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। इन्होंने उन सारे गुंडों का अगले दिन सम्मान करा। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? किसानों के ऊपर इनके आदमियों ने गाड़ी चढ़ा दी उत्तर प्रदेश के अंदर, इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए उसको बचाने के लिए, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। देश में कहीं बलात्कार हो जाए, देश में कहीं बलात्कार हो जाए, इनकी पार्टी पहुंच जाती है बलात्कारियों का सम्मान करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। आप क्या सुनते हो इनके बारे में? यही सुनते हो इन्होंने यहां दंगा कर दिया, यहां मारपीट कर दी, यहां गुंडई कर दिया। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सुनते हो? यहां पे इन्होंने स्कूल बना दिया, यहां अस्पताल बना दिया, यहां बिजली ठीक कर दी, यहां पानी ठीक कर दिया, यहां सड़कें ठीक कर दी। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम देश की सोचते हैं, हम इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करते। अमेरिका में
कोई गुंडागर्दी कर दे तो वो जेल जाता है, इंडिया में कोई गुंडागर्दी कर दे तो इनकी पार्टी में जाता है, यूरोप में कोई बलात्कार करे तो वो जेल जाता है, इंडिया में कोई बलात्कार करे तो इनकी पार्टी में जाता है। कैसा भारत चाहते हो आप लोग? गुंडों का भारत चाहते हो, दंगइयों का भारत चाहते हो, कि विकास और तरक्की वाला भारत चाहते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 7 साल हो गए खट्टर साहब को सरकार चलाते, 7 साल से खट्टर साहब की सरकार है, खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को? हरियाणा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी खट्टर साहब ने? मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां दी है, 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी मैंने, 12 लाख बच्चों को नौकरी दी। और मैं हवा में नहीं बात कर रहा, वेबसाइट पे पूरा डेटा पड़ा है, हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे सारा डेटा है। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी है और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को नौकरी देने का पूरा प्लान बनाया है। मैं नौकरी दे सकता हूं, ये नहीं दे सकते, ये कभी ये नौकरी नहीं देंगे आपको, ये कभी आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। आपके बच्चों को दंगा कराना सिखाएंगे, गुंडा ही करना सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए ये लोग। अभी मेरे को एक भाई बता रहा था, हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक, ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने, ये 2020 में HSCC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया, 2020 में ही हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेयर पेपर लीक हो गया, 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया, 2022 में HSSC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया, 2022 में ही डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं अभी गुजरात गया था, वहां भी पता चला सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को गिनीज बुक वालों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते, क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको, अभी ईमानदार पार्टी आ गई। कई बच्चे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, 2020 के बाद से आज तक आर्मी की भर्ती नहीं खुली, आर्मी की भर्ती के पेपर नहीं करवाए इन्होंने। आज इस मंच के जरिए मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, 1 लाख से ज्यादा आर्मी के अंदर खाली स्थान हो चुके, इनकी जल्दी से भर्तियां खोली जाए, बच्चे ओवरएज हो रहे हैं। मैंने सुना अभी भिवानी के अंदर एक यंग लड़का पवन, जो आर्मी में जाना चाहता था, भर्ती होना चाहता था फौज में, उसने खुदकुशी कर ली। हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं खोल रहे? मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी भी लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आर्मी की भर्तियां तुरंत खोली जाएं, ताकि हमारे बच्चे फौज के अंदर भर्ती हो सके। दिल्ली में हमने पहले सरकारी अस्पतालों का भी दिल्ली में बहुत बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक कर दिए,
और दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे लाखों रुपए क्यों ना लगते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक मोनिका बहन है, लक्ष्मी नगर में रहती है, वो और उसके पति दोनों को कैंसर हो गया, एक कमरे के घर में रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। उसका पति दूध बेच के सवेरे सवेरे घर घर में जाके दूध बेच के कमाया करता था, उसकी वो भी कमाई बंद हो गई, दोनों को कैंसर हो गया। भाई साहब, अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो जमीन बेचनी पड़ जाती है, आदमी लुट जाता है, गहने बेचने पड़ जाते हैं बीवी के। इन दोनों को ऊपर वाले का शुक्र था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये LNJP हॉस्पिटल में गए, शानदार हॉस्पिटल, सारा इलाज इनका मुफ्त हो गया, दोनों ठीक हो गए और अब दोनों ठीक होकर अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, इन लोगों की हमें दुआएं और उनके आशीर्वाद मिलते हैं, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी इतनी तरक्की कर रही है। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी, पहले दिल्ली में बहुत जाए, हरियाणा में बिजली जाती है नहीं जाती, मेरे को पता चला खूब पावर कट लगते हैं, दिल्ली में 24 घंटे कर दी, हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए, दिल्ली में केवल 24 घंटे बिजली नहीं करी, फ्री बिजली भी कर दी, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए, एक बार हाथ खड़े करके बताओ फ्री बिजली जिस जिसको चाहिए, फ्री बिजली चाहिए तो सरकार बदलनी पड़ेगी, या खट्टर तो फ्री बिजली खट्टर साहब तो नहीं करेंगे फ्री बिजली। अभी हमें पता चला पंजाब में हमारा एक मंत्री अफसरों से पैसे मांग रहा था, हमारा हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का अफसरों से पैसे मांग रहा था, मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी दलों को भी नहीं पता था, कोई और पार्टी होती तो क्या करती, उसको कहती थोड़ा बहुत पार्टी फंड में भी जमा करा, सारा खुद मत खा, यही कहते। कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, कहता आधा मेरे को दे आधा खुद रख। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है, हमने उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीधा जेल में कर दिया हमने। दिल्ली में हमारा एक मंत्री, एक राशन वाले से मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था, 2015 की बात है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, किसी विपक्ष को नहीं पता था, किसी टीवी चैनल वाले को नहीं पता था, मैंने तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करके उसको CBI को सौंप दिया। इसीलिए कहते हैं आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार मतलब मेरा बेटा भी अगर कल को बदमाशी करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, किसी की भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे क्या, इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे, कितने भ्रष्टाचारी हैं, आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो, आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो, क्यों नहीं भेजते। पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब, पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है कि नहीं जाता है, दिल्ली तक जाता है इनका पैसा, हिम्मत नहीं है इनको निकालने की, केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब हरियाणा में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यहां पे भी मेरे को बताया गया प्रॉपर्टी ID करके है, उसमें खूब पैसे चलते हैं कि नहीं चलते। नगर निगम का चुनाव आने वाला है, इस नगर निगम के चुनाव में आप अपनी ताकत दिखा दो, जैसे पंजाब के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी, जैसे दिल्ली के लोगों ने ताकत दिखाई थी, इन सारी पार्टियों को उखाड़ फेंको, एक मौका दो, नगर निगम को भी साफ करेंगे झाड़ू से, सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे, और उसके बाद 2024 में हरियाणा को भी पूरे को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरे को कोई पत्रकार कह रहा था कि ये BJP वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं,
कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना आप लोगों ने भी? कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम। दोस्तों हमारा तो एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना। भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता है, भारत के लोगों में बहुत ताकत है, भारत के बच्चों में, युवाओं में बहुत ताकत है। हम, मेरा मकसद है, कई मेरे से पूछते हैं पत्रकार, आप कौन सी पार्टी के साथ अलायंस करोगे? मेरे को यह अलायंस वलायंस करना नहीं आता, मैं 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाऊंगा इस देश के। किसानों का अलायंस बनाएंगे, मजदूरों का अलायंस बनाएंगे, डॉक्टरों का अलायंस बनाएंगे, इंजीनियर का अलायंस बनाएंगे, और इस देश के 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। दोस्तों भारत माता की। तो कुरुक्षेत्र में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैली को संबोधित कर रही हैं और बड़ी हुंकार यहाँ पर उनकी तरफ से भरी गई। हरियाणा सरकार को उन्होंने जमकर घेरा, यहाँ के स्कूलों को लेकर, अस्पताल के हालातों को लेकर, भ्रष्टाचार के भी आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए कि पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, दंगाई हैं, और अपनी पार्टी को एक मौका देने की अपील यहाँ जनता से करते हुए दिखाई दिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। एक मौका आम आदमी पार्टी को यहाँ पर दीजिए, जो काम हमने दिल्ली में कर दिखाया वही काम हम हरियाणा में भी करके दिखाएंगे।